नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो वीडियो है, इसमें हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, कंपाइलर जनरेट्स डैश फाइल। तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो किस प्रकार की फाइलों को जनरेट करता है? बेसिकली कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो जो है लो लेवल लैंग्वेज को यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझता है जो हमारे 0101 जो कोड होते हैं उनके माध्यम से लिखे जाते हैं, जिन्हें हम बाइनरी कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हमारी सी लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है ताकि हमारा कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो हमारे बाइनरी नंबर होते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हो, कंपाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड, यानी कि जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको जो है मशीन कोड के इक्विवेलेंट यानी कि मशीन कोड में जो है बदल देता है। ठीक है, विच इज ऑब्जेक्ट कोड, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ईच सी प्रोग्राम। हर एक जो सी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है? तो हर एक सी प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन जरूर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन। उनके उसके अंदर एक फंक्शन जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्टडी द फॉलोइंग एरे डेफिनेशन। यहाँ पर एक जो एरे लिखा हुआ है इसको हमें रीड करना है और बाद में इसका आंसर देना है। तो एरे आप देख सकते हैं इंटीजर नम जो कि एक वेरिएबल है, या फिर इसे हम एरे भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की गई है। नम जो एक एरे है उसकी लेंथ डिसाइड की गई है 10, यानी कि इसके अंदर हम 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद 3 वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दी गई है। ठीक है, तो तीन ये क्या है, तीन एलिमेंट, हम इन्हें एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू ऐड की जाती है उन वैल्यूज को हम जो है एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये नंबर भी हो सकते हैं या आपके स्ट्रिंग भी हो सकते हैं या आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि जो भी आपका डेटा टाइप हो, सॉरी, जो भी आपका ये एरे होता है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो सारी की सारी एक समान डेटा टाइप की होंगे। यानी कि ये सभी नंबर हैं तो सभी नंबर ही होंगी, अगर ये अल्फाबेट में होंगी तो अल्फाबेट में ही होंगी, स्ट्रिंग होगी तो सिर्फ स्ट्रिंग ही होंगी। तो उनका जो डेटा टाइप है वो समान होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है एरे की, इसके अनुसार दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है, नम 9 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे नम। तो यहाँ पर जो एरे हमने डिसाइड किया था नम, ठीक है, नंबर, तो इस एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वो होगा नम 9। क्या तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो एलिमेंट हम इसके अंदर स्टोर करते हैं, हमने डिसाइड तो कर दिया कि नंबर जो होगा, नम जो एक एरे है उसकी लेंथ है 10, इसके अंदर 10 वैल्यू हम स्टोर करेंगे, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो कौन से नंबर पर आएगा? तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आएगा 9वें नंबर पर, क्योंकि इसके जो ये जो एलिमेंट आप दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं 3 3 3, ये जो एक से शुरू नहीं होंगे क्योंकि सी लैंग्वेज में एक बेसिक रूल है कि जो भी एरे हम जो है उसकी लेंथ डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं उनके जो बेसिकली जो स्टार्टिंग कोड होता है वो 0 से शुरू होता है। तो 0 इसका पहला एलिमेंट होगा, 1 दूसरा होगा और 2 इसका तीसरा एलिमेंट होगा। तो इस तरह से जो 10वें नंबर पर एलिमेंट होगा वो हम num 9 इस तरह से लिखेंगे। हमें आउटपुट चाहिए होगा, अगर हमें किसी एलिमेंट का आउटपुट चाहिए तो हमें लिखना होगा num 9। तो इस तरह से हम जो है 10वें नंबर पर जो एलिमेंट है उसको आउटपुट ले सकते हैं। या एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हो, द num 9 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे नंबर बिकॉज द टोटल एलिमेंट इन एरे इज 10। उस एरे के अंदर हमने टोटल कितने एलिमेंट जो है स्टोर कर सकते हैं, 10, क्योंकि उसकी हमें लेंथ जो थी वो 10 जो है डिसाइड की थी। एंड द एरे स्टार्ट विद 0 क्योंकि एरे जो है वो 0 से शुरू होते हैं, सो द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 9, तो उसका आखिरी एलिमेंट होगा 9। चौथा प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेनिस रिची जो व्यक्ति थे उन्हें जो है फादर ऑफ सी लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो है सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, बनाया था। ठीक है, और सी लैंग्वेज इन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि इन्होंने ऑपरेटिंग यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको बनाने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया था, और जो पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सी लैंग्वेज में ही बनाया गया था। नीचे आप देख सकते हैं, ही इज ऑल्सो इन्वेंटेड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप किया और सी लैंग्वेज को भी डेवलप किया। पहले सी को बनाया, उसके बाद यूनिक्स को बनाया, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी लैंग्वेज में ही लिखा गया अलोंग विद हिज कलीग केन थॉमसन। और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था
उसको बनाने के लिए इनका साथ किसने दिया? केन थॉम्पसन ने। केन थॉम्पसन और डेनिस रिसी दोनों ने मिलकर क्या किया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। पांचवा प्रश्न है, सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट, तो सी लैंग्वेज को कहाँ पर डेवलप किया गया था? तो सी लैंग्वेज को जो है बेल लैब्स में 1972 में डेवलप किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, AT&T बेल लेबोरेटरीज में USA 1972, अमेरिका में जो है 1972 में बेल लेबोरेटरीज में इसको डेवलप किया गया था। छठा प्रश्न है, स्टैंडर्ड ANSI C रिकग्नाइज्ड डैश नंबर ऑफ कीवर्ड, तो सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड हैं? तो सी लैंग्वेज के अंदर टोटल जो है 32 कीवर्ड है, तो ऑप्शन जो बी है यहां पर आपका बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सी एरे इंटीजर ARY 10 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक एरे डिक्लेयर किया गया है इंटीजर ARY और उसकी लेंथ डिसाइड की है गई है 10 और 5। तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का डायमेंशन है। तो यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं, तो अगर हम वहां पर जो है सिर्फ एक ही जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट का जोड़ा आपको दिखाई दे, ठीक है, तो वो आपका वन डायमेंशन होगा। अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो वो आपका टू डायमेंशन होगा। अगर वहां पर तीन ब्रैकेट आपको दिखाई दे तो वो आपका मल्टी डायमेंशन जो है एरे होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दो ब्रैकेट्स दिखाई दी गई हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं सी द नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के जो है पेयर देखने हैं, जोड़े देखने हैं कितने हैं, ठीक है, हेयर आर टू एरे 10 5, सो द डायमेंशन इज टू, तो ये टू डायमेंशन है। अगर यहाँ पर तीन पेयर होते, ठीक है, तो ये कौन सा होता, ये आपका मल्टी डायमेंशन होता। आठवां प्रश्न है, विच इज द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, तो इनमें से कौन सा फंक्शन होता है जो हर एक सी प्रोग्राम के अंदर जो है जरूरी होता है लिखना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका मेन फंक्शन होता है वो हर एक सी प्रोग्राम के अंदर लिखना जरूरी होता है। नौवां प्रश्न है, व्हाट इज द राइट वे टू इनिशियलाइज एरे, एरे को इनिशियलाइज करने का सही तरीका कौन सा है? तो एरे को लिखने का सही तरीका इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं इंटीजर नम 6, नम एक एरे है जिसकी लेंथ हमने डिसाइड कर दी 6, उसके अंदर हमने 6 वैल्यूज को भी स्टोर कर दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 2 4 12 5 45 5, ये 6 हमने वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर दी हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहां पर आपका बिल्कुल सही है, जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो साथ में उसकी जो है जो लेंथ है वो भी हमें डिसाइड करनी पड़ती है, तो ऑप्शन बी आप देख सकते हैं इसमें लेंथ डिसाइड नहीं की गई है। ऑप्शन सी में आप गलती ये की गई है कि जो लेंथ तो डिसाइड की है लेकिन जो लेंथ जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, लेकिन ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में जो है लेंथ को डिसाइड किया गया है, और यही गलती ऑप्शन डी में की गई है, वहां पर भी जो है लेंथ डिसाइड करते समय जो है सिंपल ब्रैकेट का यूज किया गया है, तो वहां पर भी जो गलती क्या है स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो इस समय जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। दसवां प्रश्न है, कैन वी चेंज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे फ्रॉम 0 to 1 इन एनी वे, क्या हम जो है एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है, तो 0 से शुरू होने वाला जो इंडेक्स नंबर होता है क्या हम उसको बदल करके 1 से कर सकते हैं कि जो जो इंडेक्स नंबर होंगे वो 0 के बजाय 1 से शुरू हो, तो क्या हम कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ये है कि हम जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन जो डी है यहां पर आपका बिल्कुल सही है, नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, नो यू कैन नॉट चेंज द सी बेसिक रूल ऑफ 0 स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे, तो सी लैंग्वेज का जो बेसिक रूल होता है कि जो भी एरे हम डिक्लेयर करते हैं, सॉरी एरे की जो लेंथ हम डिसाइड करते हैं, तो उसमें लेंथ में मान लीजिए आपने 10 लिखा है तो जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से शुरू होगा ना कि 1 से, ठीक है, तो जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाएगी तो उनका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो हमेशा जो है डिफॉल्ट में जो वो 0 से ही शुरू होगा, और ये इसका बेसिक रूल है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CSSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000+ क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है, पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। ग्यारहवां प्रश्न है, व्हाट्स रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइडेड, ठीक है, तो हमारे हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइड किया गया है कि जो है एक वेरिएबल है और जो है एक इंटीजर है, ठीक है, तो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं ये एक लूप है, फॉर लूप के अंदर जो है आप देख सकते हैं सबसे पहले जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज किया गया है,
कि के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 है, उसके अंदर दो वैल्यू जो असाइन की गई है। उसके बाद जो है दूसरे में आप देख सकते हैं ये आपकी कंडीशन है, और लास्ट में जो है ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है, मतलब एक्शन क्या इसके अंदर होने वाला है इस लूप के अंदर। तो इस लूप को लिखते समय क्या गलती की गई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई लूप लिखते हैं तो उसके बीच में जो वैल्यूज होती है उनको सेपरेट यानी कि अलग अलग करने के लिए हम सेमी कोलन का यूज करते हैं, और यहाँ पर गलती क्या की गई है, सेमी कोलन के स्थान पर कोमा लगाया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द कोमाज शुड बी सेमी कोलन। तो यहाँ पर जो बीच में कोमे लगाए गए हैं ना, तो कोमे के स्थान पर यहाँ पर सेमी कोलन लगाया जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है, ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम शुड एंड विद। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं जब वो खत्म होती है तो लास्ट में हमको किस किस प्रकार के चिन्ह का यूज करते हैं, तो लास्ट में हम जो सेमी कोलन का जो निशान होता है उसका यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है, सी इज अ डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी फंक्शन हम लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हुए चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, सी इज ए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, इट इज रिटन इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग स्टेटमेंट एंड फंक्शन। तो स्टेटमेंट और फंक्शन का इस्तेमाल करके स्टेप्स में इसके अंदर जो है कोई भी जो प्रोग्राम है वो लिखे जाते हैं। लॉजिक इज क्लियरली डिपिक्टेड इन द प्रोग्राम। तो जो भी लॉजिक होता है उस प्रोग्राम के अंदर वो उसके अंदर जो है लिखा जाता है एज ए प्रोग्राम स्टेप्स में। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड इंपेरेटिव लैंग्वेज, और प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज होती है उसे हम इंपेरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, सी लैंग्वेज जो वो एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है और इसे हम इंपेरेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप्ड विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी लैंग्वेज को जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। तो सी लैंग्वेज को जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया था, और किसने बनाया था, डेनिस रिची और केन थॉम्पसन ने मिलकर जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था, और सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने किया था। ठीक है, 15वां प्रश्न है, सी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो सी लैंग्वेज जो है इसका इस्तेमाल किसके डेवलपमेंट में किया जाता है, किसको बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटाबेस यानी कि डेटाबेस एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है ग्राफिक एप्लीकेशन, चाहे आपका फोटोशॉप है, चाहे आपका एमएस पेंट है, तो जितनी भी ग्राफिक एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में है वो आपकी सी लैंग्वेज में लिखी जाती है। ऑप्शन सी है वर्ड प्रोसेसर यानी कि आपका एमएस वर्ड जो है जो आप यूज करते हो वो भी आपका सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जो डी है यहाँ पर आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी एप्लीकेशन को जो है बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपका जो पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा का सारा सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। 16वां प्रश्न है, सी प्रोग्राम्स आर यूज्ड इन। तो जो आपके सी प्रोग्राम होते हैं उनका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच वर्क्स ऑन सम लॉजिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है वॉशिंग मशीन, ऑप्शन सी है फ्रिज माइक्रोवेव ओवन, ऑप्शन डी आउट ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन सभी में जो है सी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सी जो है एक जो है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, स्टेप बाय स्टेप जो है ये काम करती है। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो कंप्यूटर में तो होता ही है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन बी है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आज के समय में जो है कुछ ऐसी वॉशिंग मशीन आने लगी, कुछ ऐसी डिजिटल एक तरह की हाइब्रिड, मतलब जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के फंक्शन होते हैं, वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, तो एक तरह की हाइब्रिड जो है फंक्शनैलिटी वाली वॉशिंग मशीन आती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप जो है लिमिट से ज़्यादा पानी डाल देते हो, लिमिट से ज़्यादा कपड़े डाल देते हो, तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो आपको अलार्म देती है, नोटिस देती है कि जो आपने ज़्यादा पानी डाल दिया है या फिर ज़्यादा कपड़े उसके अंदर डाल दिए हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ आप मेटल की कोई चीज़ अगर उसके अंदर डाल देते हो, तो उसके अंदर कुछ सेंसर भी होते हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई मेटल तो नहीं है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ मेटल भी होता है तो भी वो आपको बताती है कि इसके अंदर जो है इस तरह के जो है चीज़ें गिरी हुई हैं, तो वो मशीन चलती ही नहीं है। ठीक है, तो जो हाइब्रिड मशीनें होती हैं वो भी आपके आजकल मार्केट में होती है, और उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो उनके अंदर जो आईसी होती है उन आईसी में उन प्रोग्राम को जो है
लिखा जाता है, जब कंपनी में वो वॉशिंग मशीन बनती है तो उन आईसी के अंदर उन प्रोग्राम्स को एम्बेड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन सी फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन। आपने देखा होगा आजकल ऐसे फ्रिज आ गए हैं जो मौसम के अनुसार ऑटोमेटिकली वो काम करते रहते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं, ये सब उनके अंदर लॉजिक प्रोग्राम लिखे जाते हैं जो कि उनके अंदर आईसी में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है इसीलिए यहाँ पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है ऑपरेटर परसेंटेज इन सी लैंग्वेजेस कॉल्ड। वैसे तो ये एक परसेंटेज का निशान है मैथ में, तो सी लैंग्वेज के अंदर ये किस प्रकार का ऑपरेटर है। सी लैंग्वेज के अंदर इसे हम मॉड्यूल कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। मॉड्यूल यानी कि बेसिकली काम क्या करता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, आपने देखा मैथ के अंदर जमा घटा गुणा भाग इस तरह से जो है ऑपरेटर होते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर इसका काम क्या होता है, ये जो है ये आपका शेषफल निकाल कर देता है। जब भी आपने देखा होगा आप किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका भागफल भी आता है और नीचे जो शेष निकल के आता है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो शेषफल अगर हमें निकालना है किसी वैल्यू का तो उसके लिए हम मॉड्यूल यानी कि परसेंटेज इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं ऑपरेटर परसेंटेज इज कॉल्ड मॉड्यूल, इसे मॉड्यूल कहते हैं और इसे मॉड्यूलर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसको भाग करके क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर निकालते हैं किसी वैल्यू का। सी इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, तो ये किसी संख्या का शेषफल हमें निकाल करके देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर ए, ए जो है एक वेरिएबल है, उसके बाद हमने लिखा 11 मॉड्यूल 4, हमने 11 जो वैल्यू थी उसको भाग कर दिया 4 से, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 4 × 8, तो हमारा शेषफल आया कितना 3, क्योंकि 8 11 में से 8 गए बच गए 3। तो नाउ द होल्ड ओनली 3 विच इज द रिमाइंडर, तो जो आपका वेरिएबल ए है उसके अंदर कौन सी वैल्यू असाइन की जाएगी, कितनी वैल्यू जाएगी, उसके अंदर जाएगी 3 वैल्यू, क्योंकि इसका शेषफल क्या है 3 है। तो ये मॉड्यूल क्या करता है, ये शेषफल निकाल करके देता है। 18वां प्रश्न है विच लूप इज फास्टर इन सी लैंग्वेज, फॉर व्हाइल और डू व्हाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जो आपके 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, तो इन तीनों लूप में से सबसे तेज कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल वर्क एट सेम स्पीड। तो ये जितने भी लूप हैं ये आपके एक समान स्पीड पर काम करते हैं, डिपेंड करता है कि इनके अंदर लिखा गया फंक्शन कितना बड़ा है, ठीक है। तो इनके अंदर जितने ज्यादा हम फंक्शन लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करने में, रन करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है अगर तीनों में एक समान जो है वैल्यू लिखी गई, एक समान जो है फंक्शन लिखे गए, तो तीनों के एग्जीक्यूट करने में, रन करने का जो स्पीड टाइम होगा वो एक समान होगा, ठीक है। 19वां प्रश्न है व्हाट इज एन एरे इन सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज के अंदर एक एरे क्या होता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए है अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था कि जो भी एरे हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर की जाती हैं उन सबका डेटा टाइप एक समान होना चाहिए। ऑप्शन बी है एन एरे कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, तो जो एरे होता है उसके अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट को जो है वो रख सकता है। तो क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हम केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन सी है एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इन कंटिन्यूअस और कॉन्टिजियस लोकेशन, यानी कि जो एरे एलिमेंट होते हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पर, मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप एरे डिक्लेयर करो या फिर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो तो मेमोरी के अंदर वो अपना स्थान जरूर लेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वो डेटा उसका साइज अलग अलग होता है, जैसे करेंसी डेटा टाइप का अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग डेटा टाइप के अनुसार उनका साइज होता है जो कि मेमोरी के अंदर अपनी लोकेशन बना के रखते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही हुआ, ये सभी खासियत होती है किसी भी एरे के अंदर। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही, ऑल ऑफ दी अबव। 20वां प्रश्न है एन एरे इंडेक्स स्टार्ट विद, तो एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एरे का इंडेक्स नंबर जो है डिफॉल्ट में 0 से शुरू होता है और ये सी लैंग्वेज का बेसिक रूल है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।